चलिए हम शो को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको म्यूचुअल फंड्स के सिलेक्शन के बारे में तो हमने तमाम समझाइश दे दी है, लेकिन अब फाइनेंशियल प्लानिंग और आपकी ज़िंदगी जीने के बाकी पहलुओं पर फोकस करते हैं। हमारे साथ दो और ख़ास मेहमान अब जुड़ गए हैं, रुमटा सिक्योरिटीज़ के CFP हर्षवर्धन रुमटा, JST इन्वेस्टमेंट के CFP आदित्य शाह। आप दोनों का स्वागत है और आप दोनों को आज हम दर्शकों के सवाल तो आगे चलकर शो में देंगे ही, लेकिन उससे पहले मुझे दोनों को पूछना है। हर्ष, मैं जानती हूँ कि आपका खुद का घर है बॉम्बे में। आदित्य, आप भी, आपके पास भी खुद का घर है? बिल्कुल मैम। तो ये जो आपने घर खरीदा है, आपने खुद खरीदा है या आप हमेशा से इसी घर में पले बड़े हैं? मैम, हम इस घर में हमेशा से पले बड़े हैं और ये मेरे अपने फादर के साथ मिलके ये घर लिया है। ओके। हर्ष, आपको और कोई घर खरीदने का इरादा है आपका? वेल, कविता, जब ये घर छोटा पड़ने लगेगा तब डेफिनेटली हमें घर खरीदना होगा। बिल्कुल, और आप दोनों तो फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, अपनी प्लानिंग तो बहुत बखूबी करेंगे ही। बहरहाल, ये सवाल मैं आप दोनों को इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज हम दर्शकों को ये समझाने वाले हैं कि उन्हें घर अगर खरीदना है तो किस सिनेरियो में खरीदना चाहिए, और अगर रेंट करना है तो उनके लिए सही समय क्या है रेंट करने का, और किन किन कारणों की वजह से उन्हें घर रेंट पर जो है वो लेना चाहिए। अमूमन हर्ष, हमारी तो मानसिकता ऐसी होती है कि रेंट से ज्यादा बेहतर है कि आप लोन की EMI दे दो और अपने लिए घर खरीद लो, अपने नाम पर एक छत होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, समय बदल रहा है, महंगाई भी यहाँ पर बढ़ रही है, रियल एस्टेट हम सब जानते ही हैं, खासतौर से अगर हम मेट्रो शहरों की बात करें तो यहाँ पर हमेशा ही जितना भी लोग बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट टूट रहा है, घर आपके लिए हमेशा महंगा ही महंगा होगा। तो अब अगर किसी को घर खरीदना है, मैं अब फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सपेक्टिव से समझना चाहती हूँ, घर खरीदने के लिए अगर आप बेहतर प्लानिंग करें तब तो नथिंग लाइक इट। आपको पता है इतने सालों में मुझे घर खरीदना है और इन्फ्लेशन काउंट करके इतने सालों के बाद ये घर की कीमत इतनी होगी, अगर आपने जमा कर लिया, बटोर लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सब नहीं कर पाए और महसूस कर रहे हैं कि घर खरीदना चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी? सुवेल, कविता, घर खरीदने का जो डिसीजन है ना, दो तरीके से इवैल्यूएट किया जा सकता है, एक है इमोशनल और एक है फाइनेंशियल। तो इमोशनल कोशेंट पे अगर आप जाते हैं तो इमोशनल कोशेंट क्या कहता है कि भाई एक इंसान की तमन्ना होती है कि हमारा खुद का घर हो, फूड क्लोथिंग शेल्टर जो बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, तो मकान एक आपका खुद का हो, एक सेंस ऑफ सोसाइटी में अप्रिसिएशन और एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है कि घर आपका खुद का है। तो यू नो, ये एक पहलू होता है इमोशनल साइड का। इनफैक्ट एक बार कई बहुत साल पहले हम कोई तो शो कर रहे थे, साथ में कर रहे थे कविता शायद, तो एक क्वेरी आई थी, शेट्टी परिवार के थे, मतलब जो शेट्टी कम्युनिटी है उसमें एक क्वेरी आई थी हमें, मुझे ध्यान है, वो हमारे लिए भी एक रियलाइजेशन था। उन्होंने कहा कि मुझे घर खरीदना जरूरी क्यों है, क्योंकि मेरी नहीं तो शादी नहीं होगी, कोई लड़की का बाप अपनी बेटी को देगा नहीं आपको ये बोल के कि इनका घर भी अपने पास नहीं, इनका खुद का घर भी नहीं है। सो इंडिया में पर्टिकुलरली ऐसी कोई यू नो इमोशनल साइड्स होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं कि भी घर खरीदना क्यों जरूरी होता है। लेकिन अगर आप नंबर्स लगाएं, अगर आप प्योर फाइनेंशियल कैलकुलेशंस अगर करते हैं, तो उसमें आपको ये रियलाइज होगा कि घर खरीदना यू नो शायद इतना अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता है। अगर आप रेंट पे लेते हैं तो जो आपका रेंटल यील्ड है, मान लीजिए आप एक घर में, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया लगाते हैं, अगर आप वही घर में अगर रहना चाहते हो रेंट पे, तो आपका 2% उसका जो कॉस्ट है उसमें आपको एक घर मिल जाएगा। सो आपको सालाना 2 लाख रुपया रेंट में आपको वही घर में आप रह सकोगे। सो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से घर खरीदना तब फायदेमंद होता है जब उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन होने की गुंजाइश हो। सो आप अगर मान लीजिए घर खरीदते हैं, आपके कॉस्ट क्या होते हैं, तो पहले ऑफकोर्स आपका कैपिटल ब्लॉक होता है जिसपे आपको रिटर्न एज अ रेंटल यील्ड जो आपको मिलेगी, मान लीजिए 2% मिल रही है। दूसरा, आपको उस घर के मेंटेनेंस, रेगुलर जो उसके खर्चे होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, सोसाइटी मेंटेनेंस है वगैरह, और उसका खुद का अपकीप करने के लिए आपको काफी खर्चा होता है। जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं एंड में, मान लीजिए उसकी अप्रिसिएशन जो भी हो उस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भरना है एंड वो सारी चीजें। सो द पॉइंट ये है कि जब तक आप ये प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो फाइनेंशियल डिसीजंस अगर लेते हैं, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे अगर ध्यान देते हैं तो शायद इतना लॉजिकल नहीं होता। लेकिन घर हमेशा इमोशनल क्वोशेंट के बेसिस पे ही खरीदा जा रहा है एंड दैट इज अ रियलिटी। अब आपका जो सवाल था किन बातों का ध्यान रखना, तो आई थिंक उसका जवाब जो है वो इन कॉन्टेक्स्ट में ही अगर देखा जाए कि आपकी EMI पेमेंट की कैपेसिटी क्या है। आपने कहा कि EMI पे लेते हैं, सो EMI भरने की आपकी क्या कैपेसिटी है। दूसरे, अगर आप EMI लेते हैं तो
मेजर पोर्शन ऑफ योर इनकम तो आपका घर खरीदने की ईएमआई में ही चला जाएगा, तो क्या आप बाकी फाइनेंशियल गोल्स को मैनेज कर सकते हैं कि नहीं, वो पहलुओं पर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आदित्य मुझे ये बताएं, क्योंकि आप मिलेनियल जनरेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी तो इनकी सोच थोड़ी सी बदल गई है ना, क्योंकि ये रेंट पर रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं ये भी सिखा दिया है कि मतलब लाइफ को जी लो, है ना। बहुत अनिश्चितताएं हैं आपकी लाइफ में, जिस तरह से हमारे बाजार में अस्थिरताएं हैं, तो ऐसे में अपने पैसों को किसी प्रॉपर्टी में और ईएमआई के जंजाल में फंसने की बजाय ये है कि आप रेंट ले लो और कल होना हो आपकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, किस ओर मोड़ लेगी, हमें नहीं पता। क्या मिलेनियल्स इस सोच के चलते ज़्यादा रेंट पर रहना पसंद कर रही हैं, क्या इसका चलन आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं? घर खरीदने की वजह तो हमें समझ में आ गई है, लेकिन क्या बाकी ये वजह आज की तारीख में मिलेनियल्स के लिहाज से वाजिब है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। रिसेंटली मैं जितने भी यंग लोगों से बात करता हूँ, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि नहीं, हमें घर में इन्वेस्ट नहीं करना है, हम रेंट में ले रहेंगे, क्योंकि रेंटल यील्ड जो है, आप जो घर लेते हो उसकी रेंटल यील्ड जो है वो 2-3% के आसपास है, वो इतनी अच्छी नहीं है। पर सही बात है कि आपको रेंट पे रहना है, वो आपकी चॉइस है, इसमें कोई सही या गलत नहीं होता। और मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से एक बहुत ही जरूरी चीज है, आप अगर ईएमआई देखेंगे, अगर आप घर खरीदते हैं तो वो 5 से 7 से 8 times होती है जो कि आप रेंटल पे करते हैं। तो ये जो पैसा आपका बचता है रेंट पे रहते हुए, अगर आप इस पैसे को प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लान करके हर महीने कुछ पैसा अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, बट हर महीने कुछ पैसा आप अपने रिटायरमेंट की तरफ डाल रहे हैं, और इस पैसे को प्रॉपर एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के इसका सेविंग करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी मेरे हिसाब से आपको रेंटल पे जाना चाहिए। एक बात याद रखिए, अगर आपके पास घर नहीं है तो आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपको रेंट पे करते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप रेंट पे खरीदते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग, रेंट पे जाते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है, कि जो भी पैसे आपके ईएमआई के तौर पे नहीं जा रहे हैं और बच रहे हैं, उसकी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने की बहुत जरूरत है। और इंक्रीजिंगली बहुत सारे यंगस्टर्स अब रेंट पे रहने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से मेरी उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही दरख्वास्त रहेगी कि अपने प्रेजेंट को जीने के लिए अपने फ्यूचर को रिस्क पे मत डालिए, बिल्कुल प्रेजेंट को जिए पर बैलेंस करें, और अपने पैसों को आज के लिए यूज करें, और साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए पैसों को सेव करके लंबे तौर तक 10-15-20 साल तक एसआईपी करके इन्वेस्टमेंट का प्लान जरूर बने। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी बातें और ये जो निर्णय लेने को लेकर जो फैसले हैं या जो बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, हर्ष, कहीं ना कहीं ये इस बात के भी तो इर्द गिर्द नहीं घूमता कि आपकी नौकरी कैसी है। अगर आप एक मूविंग तरह के जॉब में हैं तब तो मेरे ख्याल से आप रेंट पर ही रहें। अगर आपके पास एक फिक्स जगह पर नौकरी और आपको पता है कि आपको यहाँ पर लंबे समय तक जॉब करना है और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ यहीं पर बसने वाली है, तब आप फिर भी एक घर लेने के बारे में सोच सकते हैं। वरना अगर किसी को रेंट पर भी लेना हो, हर्ष, तो उसके लिए आपको अपनी कैलकुलेशंस कैसे जो है वो करनी होगी, कि कैसे इंश्योर करना चाहिए कि आपका आपकी कमाई का इससे ज्यादा हिस्सा रेंट पर नहीं जाना चाहिए। कविता, ये बात सही है कि अगर आपका पर्टिकुलरली ट्रांसफरेबल जॉब है, आप अगर एक सिटी में नहीं रहते हैं और आपका जॉब ऐसा प्रोफाइल है कि आपको अलग अलग शहरों में या देश के बाहर भी रहना पड़ता है, आपकी का हो सकता है कोई असाइनमेंट आपको देश के बाहर मिले, तब ये समझना जरूरी है कि आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसे मैनेज और मेंटेन करना कैसे करेंगे। तो आप अगर दूसरे शहर में है तो, और यू नो, प्रॉपर्टी का जो मेंटेनेंस है रेंट पे देना है, इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट कि आपको बार बार एक दूसरी सिटी में जाना पड़े। सो अगर आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, मूविंग जॉब है, तो डेफिनेटली उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो एक रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है कि आप उसकी वजह से एक डिसीजन लें कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है, मैं रेंट पे ही रहूंगा। और जो फैक्टर्स की आपने बात की कि अगर यू नो कितना परसेंटेज होना चाहिए, देखिए अगर ईएमआई की बात करते हैं तो ईएमआई लगभग 50% एक इंसान की नेट टेक होम जो इनकम होती है उसका 50% आपका ईएमआई में चला जाता है। लेकिन उतना ही अगर आप रेंट में दे रहे हैं तो देन यू हैव टू बी वरिड। तो रेंट आपको बहुत ही केयरफुली सोचना होगा कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महंगे घर में ही रहना है। अभी अगर आपका जो रेंट का पोर्शन है अगर 20-25% ऑफ योर नेट टेक होम है, तब आप कंफर्टेबल जोन में हैं। अगर उससे ज्यादा भर रहे हैं
तो शायद आपको ये सोचना होगा कि क्या आपको अपनी कोई एरिया चेंज करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि रेंट अगर आपका 50% आपकी इनकम का ले जाता है अगर, तो देन आपके पास फिर से कुछ नहीं बचेगा दूसरी चीजें करने के लिए। तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक इंसान की इतनी सारी होती हैं कि सिर्फ एक पहलू, कोई भी एक घर के यू नो एलोकेशन में अगर आपने 50% अपनी इनकम का दे दिया, तो बाकी खर्चे और करने के बाद में आपके कितना बचेगा वो एक कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है। सो आई थिंक 20-25% अगर आपका रेंट में जा रहा है उतना तक रीजनेबल माना जाता है, उससे ज्यादा अगर है तो शायद आपको घर बदलने की सोचना चाहिए। तो एक सवाल और शायद इस चर्चा का आखिरी सवाल होगा, क्योंकि दर्शकों के सवाल भी हमें शो में शामिल करना है। बहुत सारे लोग ये ऐसा भी करते हैं आदित्य, कि वो रहते तो रेंट पर हैं लेकिन कई किसी दूसरे शहर में घर खरीद लेते हैं और बाद में उसको रेंट पर चढ़ाकर उसकी ईएमआई निकालते रहते हैं। वो रहते नहीं है उस घर में, सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होता, क्या ये रणनीति सही है? मेरे हिसाब से आज की डेट में रेंटल यील्ड्स जो है वो 2% के आसपास है। जितना कैपिटल आप डाल रहे हो तो मेरे हिसाब से तो अच्छी बड़ी सिटीज के अंदर वो जो रेंटल रेंटल्स है वो आपकी ईएमआई को कवर नहीं कर पाएंगे और आपको अपने सैलरी में से कुछ ईएमआई को चुकाना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये अच्छा डिसीजन नहीं है। अगर आपको एंड ऑफ रिटायरमेंट में अगर आपको वहां पे जाके रहना है तो ठीक बात हो सकती है, बट हाउएवर मेरे हिसाब से ये अच्छी रणनीति नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से अगर आप जिस शहर में रह रहे हैं वहां पे रेंट लेंगे तो ज्यादा बेहतर। और राइट, चलिए तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि वो तमाम दर्शक जो कंफ्यूज हैं कि रेंट पर ही रहें या अपने लिए घर खरीद लें, कुछ हद तक हमने आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया हो। लेकिन हमें अभी रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आदित्य और हर्ष दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, लाइव दर्शकों से हम बात करेंगे और उन्हें लाइव सलाह देंगे उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर। मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एटी मनी मनु, अपना फाइनेंस मिनिस्टर मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और हमारे साथ हर्षवर्धन रुमटा और आदित्य शाह हमारे मेहमान बने हुए हैं। और पहला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल यादव फोन लाइन पर, जो हर्ष से सवाल पूछेंगे। बताएं राहुल जी। मैम नमस्ते। मैम नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैम मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए सर। मैम मेरे रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ आफ्टर 30 इयर्स। ठीक है, तो मैम मेरे पास 3 फंड्स है, म्यूचुअल फंड है, एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, मीरा एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, जिसमें मैं 2000 रुपीज पर मंथ SIP कर रहा हूँ, ईच में लगभग 6000। तो मैम क्या मेरे जानकारी, एक सेकंड वापस से फंड का नाम बताएंगे, शायद मैंने मिस कर दिया। पराग्वारी फ्लेक्सी कैप फंड वन। हाँ हाँ राइट, हाँ ये डिटेल में है। मेरा एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप एंड एक्सिस स्मॉल कैप। राइट, ओके ओके। तो मैम हर एक में 2000 रुपीज कर रहा हूँ, 6000 रुपीज पर मंथ कर रहा हूँ मैं, तो क्या ये मेरा पोर्टफोलियो सही है आफ्टर 30 इयर्स? मतलब मुझे करीब करीब 3 करोड़ रुपए चाहिए रहेंगे मैम। चलिए, यहाँ पर जो जानकारी हमारे पास है उसमें 1000 रुपए आप तीनों फंड में कर रहे हैं, ऐसी जानकारी है, तो लगभग 3000 का निवेश किया मैंने, थोड़ा सा चेंज किया है आपने। अच्छा, कब से कर रहे हैं निवेश? मैम एक्चुअली साल भर से कर रहा हूँ। साल भर से कर रहे हैं, बढ़ा पाएंगे इन्वेस्टमेंट को? हाँ जी मैम, बढ़ा सकता हूँ मैं। चलिए ठीक है। हर्ष, थोड़ी सी करेक्शन है, SIP इनकी 6000 की चल रही है। वेल यस सर, राहुल जी आपका पोर्टफोलियो मैंने जो पहले का देखा था उसमें आपका HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड था, जो आई बिलीव आपने वो चेंज करके एक्सिस स्मॉल कैप लिया है। सो आपका ये भी सवाल था कि क्या आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप है कि नहीं है और ये पोर्टफोलियो कैसा है। सो वेल अगर मैं आपके पोर्टफोलियो को देखूं, सो उसमें पहले अगर ओवरलैप की बात करें, सो HDFC सेंसेक्स प्लान एक लार्ज कैप फंड है, विच आई बिलीव आप उसकी जगह पे आपने एक्सिस स्मॉल कैप लिया है, तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट कैटेगरी टोटली हो गया है। मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप जो है वो भी आपका एक लार्ज एंड मिड कैप है, जिसमें 60% करीबन लार्ज कैप है और 40% मिड कैप। पर आप पर एक फ्लेक्सी कैप एक प्राइमरीली लार्ज कैप फंड है, जिसमें 20% करीबन इंटरनेशनल इक्विटी है। सो आपका अगर अभी का जो हम पोर्टफोलियो देखें, अगर हम HDFC सेंसेक्स फंड हटा दें और एक्सिस स्मॉल कैप कंसिडर करते हैं, तो आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर है और वो ठीक है, उसमें उसके लिहाज से ओवरलैप की वजह से आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जो आपका टारगेट है
जो आपका टारगेट है, जो आपने लिखा कि 3 करोड़ रुपए चाहिए आपको 30 साल बाद, और आप एक 15% का अनुमान लगा रहे हैं, ये आपके सवाल में था कि आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि आपको 15% आपको रिटर्न मिलेगा। सो वेल, अगर हम 3000 रुपए से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो आपका ओरिजिनल क्या है, आपका अमाउंट जो आपने भेजा था कि आप 3000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं महीने का, और अगर 15% से हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 2 करोड़ रुपया बनता है 30 साल बाद। अब क्योंकि आप 6000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15% का अगर हम अनुमान लगाते हैं तो डेफिनेटली आप 3 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे। अगर इसी का मल्टीपल करते हैं तो ये 4 करोड़ बन जाता है। मेरी सिर्फ एक सलाह है आपसे कि आप जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 15% का, ये एक रेंज में है जो हम इक्विटी से एक्सपेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में 12 से 15% के आसपास रिटर्न मिलना चाहिए, 15% ऑन हायर साइड है। अगर मान लीजिए, और मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि फर्क बहुत ज्यादा है बिटवीन 12 एंड 15%। अगर हम 15% से अनुमान लगा रहे हैं तो मैंने जैसे कहा कि अगर 3000 रुपए का ओरिजिनल कैलकुलेशन लेते हैं तो आपका करीबन 2 करोड़ बनता है। यही चीज अगर हम 12% का रिटर्न अनुमान लगाते हैं तो आपका जो रिटर्न है, जो एंड कॉर्पस है, वो 2 करोड़ नहीं, वो 1 करोड़ रुपया बन जाता है। तो यस, 300 बेसिस पॉइंट, 3 परसेंटेज पॉइंट का जो हम डिफरेंस देख रहे हैं 12 से 15%, जो रेंज आपका बनता है वो है 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया। अब क्योंकि आप 6000 कर रहे हैं, ये आप डबल कर लीजिए, 2 करोड़ से लेके 4 करोड़ की रेंज में आपको मिलना चाहिए एंड कॉर्पस। तो ये मैं क्यों हाईलाइट कर रहा था, इसी कारण से कि आपको एक अनुमान रहेगा कि आप 3 करोड़ का टारगेट मीट करेंगे कि नहीं। तो रेंज आपको पता है, फंड सिलेक्शन ठीक है, एलोकेशन ठीक है, कोई भी फिलहाल बदलाव करने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगदीप जी नमस्कार, कैसे हैं सर? बस ठीक है, आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मम्बाला से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे का भी जॉब लगा है, आईटी फील्ड में है, 22 इयर्स होने का है और 40,000 के आसपास सैलरी है पर मंथ। मैंने अभी उसकी 2 पिक शुरू कराई है, एक तो पराग फ्लेक्सी की, एक कैनरा रेबेको 5,000 ईच की, और उसके पास में 2 इंश्योरेंस प्लान है जिनको मैं ऑलरेडी पहले से मैं कवर करा रहा हूँ, 1.5 लाख का उसका इंश्योरेंस है पर ईयर का। क्या प्लान है ये? तो आगे ये आई थिंक कुछ रिटर्न है उसमें, 10 साल तक के प्लान है, उसके बाद में कुछ अमाउंट मिलेगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लॉन्ग रन के लिए जो मेरे बेटे को अच्छा पर्पस इकट्ठा कर देते, तो मैं क्या मिनिमम उसकी स्टार्टिंग कराऊं सिक्स में, सो दैट यू कैन गेट अ गुड पर्पस आफ्टर 10 इयर्स 15 इयर्स समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मेरा अमाउंट का कोई टारगेट नहीं है, वांट बिग पर्पस सो दैट यू कैन बी सैटिस्फाइड इन दैट आफ्टर सम टाइम। बहुत अच्छा, आप अपने बेटे के भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, और इसीलिए आपने इन्वेस्टमेंट भी उनकी शुरू करवा दी है। एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना है, निवेश के महत्व को वो समझते हैं ना? आपने ये, आप ये क्यों कर रहे हैं उनके लिए? जी जी, मैं पहले से भी उसके नाम से सिप वगैरह करता हूँ, इंश्योरेंस वगैरह भी है, ही नोज एवरीथिंग अबाउट दैट। हाँ, पर वो इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं समझने में? बिल्कुल, मैं गाइड करता हूँ तो ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड दैट। चलिए बहुत अच्छा है कि आप सीख दे रहे हैं अपने बेटे को कि कैसे फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट रहें और आगे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अपने हाथों में ले, इसकी बागडोर अपने हाथों में ले। चलिए आदित्य, क्या सलाह होगी? अगर 10 साल की SIP करेंगे इन्वेस्टर 15 साल के लिए और मैं एक कंजर्वेटिव रिटर्न 10% का मानता हूँ तो 41 लाख के आसपास का कॉर्पस एक्युमुलेट हो जाएगा इन्वेस्टर के पास। इन्वेस्टर के पास अच्छे फंड्स हैं तो दिक्कत नहीं है फंड्स में, बट 2 फंड्स हैं, दोनों में काफी ओवरलैप है तो मैं थोड़ा चेंज करने के लिए बोलूंगा। एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में कंटिन्यू कीजिए और दूसरा UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में आप 5000 की SIP कर सकते हैं। इस SIP को आप अपने बेटे को बोलेंगे कि 10% से बढ़ाएंगे हर साल तो बेटर रहेगा। और दूसरी बात, आप प्लीज अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कीजिए और गोल्स को एक अमाउंट के साथ जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट करना अभी से आपको चालू करना होगा। तो अमाउंट डिसाइड कीजिए, फंड्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इंश्योरेंस पे भी चेक कीजिए कि क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस आपके पास कैसा है। जगदीप जी, कोई सवाल पूछना है आपने आदित्य को? उसके लिए कोई टर्म प्लान, जिससे कि जो आफ्टर जब यू वेन ही 60, तो कोई हमें इंश्योरेंस प्लान बताएंगे जो ठीक हो? मैं सोचता हूँ कम से कम 1 करोड़ कम से कम इंश्योरेंस हो इसका। जैसे कि आपने कहा 1 करोड़, तो जैसे कि आपने कहा कि अगर आपके बेटे के ऊपर कोई डिपेंडेंस है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा
कि आपके बेटे के ऊपर अगर कोई डिपेंडेंट्स है तो टर्म प्लान लेना बहुत जरूरी है। और टर्म प्लान में आपको डिसाइड करना होगा कि सम अशोर्ड कितना लेना है, और ये उसी टाइम तक लेना है जब आपका बेटा रिटायर होगा। फॉर एग्जाम्पल 60 साल की उम्र पे अगर वो रिटायर होंगे तो 60 साल की उम्र तक आप उस प्लान को ले सकते हैं, और जितना आप जल्दी लेंगे उतना आपका जो प्रीमियम है वो कम रहेगा और प्रीमियम लॉकिंग हो जाता है टर्म प्लान का जैसे ही आप प्लान को लेते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना लीजिए और पहले देखिए कि आपको ये टर्म प्लान की जरूरत है या नहीं जरूरत है, ये कैसे पता चलेगा, या फिर आपके पास कोई लायबिलिटीज है, या फिर आपके आपके बेटे के ऊपर अगर कोई डिपेंडेंट्स है, या फ्यूचर में भी कोई अगर डिपेंडेंट्स आने वाले हैं तो बिल्कुल टर्म प्लान जाके लीजिए। प्रदीप सहाने दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम जी। मेरा सवाल था, मेरा सैलरी है 35,000 है अभी, और मैंने फंड आपको भेजा था, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है जी। फंड्स की डिटेल्स हमारे पास है, ये इसमें कुछ नया ऐड नहीं किया ना आपने, ये 5 फंड्स ही है ना सर? हाँ 5 फंड ही है मैडम। मैं पिछले 7-8 साल से निवेश कर रहा हूँ। अच्छा, और अच्छा। अभी मेरा वो पोर्टफोलियो जो है 8 लाख का बन गया है। और मेरा टारगेट है मैडम 50 लाख का टारगेट है अगले 15 से 20 साल में। ठीक है ओके। बच्चों की एजुकेशन और रिटायरमेंट के लिए मेरे को चाहिए अपना पैसा। ठीक है हर्ष, इनका टारगेट पूरा होगा इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से? वेल टारगेट इन्होंने कविता पहले नहीं बताया था तो मैंने कैलकुलेशन नहीं किए हैं, लेकिन मैं कोशिश करके जब बाय द टाइम वी आर टॉकिंग मैं कोशिश करके वो कैलकुलेशन इन्हें बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर हम पोर्टफोलियो पे ध्यान दें तो पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पास जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, गोल्ड, पीएफ, जो इनका डिडक्शन है पीएफ में जा रहा है, गोल्ड में एलोकेशन है, सो आई थिंक जो इन्होंने प्लानिंग कर रखी है इन टर्म्स ऑफ दिस स्कीम एलोकेशन वो एकदम ठीक है, इन्हें कोई भी बदलाव अपने पोर्टफोलियो में करने की जरूरत नहीं है। एक सिर्फ है कि इंश्योरेंस में हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ गुड आइडिया, तो इन्होंने एक LIC की पॉलिसी ले रखी है, बट उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन का जा रहा है वो करीबन 500 रुपए महीना है, सो इतना ज्यादा है नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन की हमें इतना उसमें सोचने की जरूरत है। सो फिलहाल आई थिंक वो भी कंटिन्यू कर ले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वैसे बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट्स हम बोलते हैं कि बढ़ाते रहेंगे तो बेटर है, लेकिन अभी जो इनकी सेविंग्स रेट है इन कंपैरिजन टू हिज इनकम दैट इज डिसेंट इनफ। तो अभी इनका जो टारगेट था वो है कि करीबन 20 साल में इन्हें 50-1 लाख रुपया चाहिए, 8 लाख ऑलरेडी बना हुआ है। अगर हम 12% का भी अनुमान लगाते हैं तो आई थिंक इन वेरी कंफर्टेबली ये अपना टारगेट मीट कर लेंगे, इनफैक्ट एक्सीड ही करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो करीबन 13,000 रुपए की SIP चल रही है, सो आराम से कविता इनफैक्ट उससे कई ज्यादा इन्हें एक्सीड कर सकते हैं, अपना जो कॉर्पस रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली एक्सीड कर लेंगे। या तो करीबन 40-50 लाख, नॉट एक्सीड बट 40-50 लाख तक तो इन्हें इनका कॉर्पस बन जाना चाहिए। ऑलराइट प्रदीप जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। नागेंद्र गर्ग फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार नागेंद्र जी। हाँ नमस्कार मैडम, बताइए सर सवाल पूछिए। मेरा क्या है कि अभी रिटायरमेंट हुआ है तो उसमें लगभग 50 लाख रुपए का फंड मिला है। ओके, तो अभी मुझे उसको इन्वेस्ट करना है 5 लाख के लगभग का लिक्विड फंड रहे और 10-1 लाख रुपए FD के रूप में या और रूप में रख सकते हैं, और बाकी मैं 30 लाख के लगभग का उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड्स में, SIP में, जिससे आप सजेस्ट करें जिसमें अच्छा रिटर्न मिल जाए। आदित्य सर, जैसे कि आपका रिटायरमेंट फंड है तो बहुत जरूरी है इस पैसे को प्रोटेक्ट करना। इस पैसे को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, डेट एक्सपोजर जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और एक्विटी एक्सपोजर जो है वो कम होना चाहिए पोर्टफोलियो में। मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए जैसे कि आपने कहा आप HDFC या ICICI के लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर आपकी उम्र 60 से अबव है तो 15 लाख रुपया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल सकते हैं, वहां पे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। फिर उसके बाद 10-15 लाख रुपए जो है वो आप बैंक के सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं जहां पे आपको कोई लॉक इन नहीं होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 5 साल तक पैसे लॉक इन रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी के जो 5 से 10 लाख रुपए जैसे जैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे इन पहले 3
ऑल्टरनेटिव्स में, वहां वो आप डीएससी क्वांट फंड और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड जो है इनमें थोड़ा सा लार्ज कैपेज बायस है और इनमें रिस्क रिलेटिवली थोड़ा कम है, इसीलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया है। पर आप एक चीज ध्यान रखिए, रिटर्न लेने के लिए आप मार्केट में मत घुसिए, आपका इक्विटी एक्सपोजर जो है वो 10-15% से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका अब एक गोल रहेगा कि आप रेगुलर इनकम जो है वो आपको क्रिएट करनी है, इसीलिए 10-15 मैक्सिमम 20% से ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर मत लीजिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक टीनू हमारे साथ फोन लाइन पर शायद नहीं है, इनका सवाल आपके पास होगा हर्ष। तो ये 6 फंड में 10,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं और 8 साल में 40 लाख 15 साल में 1 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए और फंड्स मेरे ख्याल से आपके पास हैं, हर्ष बताएं। जी हाँ कविता, कविता मैं टीनू जी का पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ और फिर प्रदीप जी का मैंने कैलकुलेशन किया था जो हमारा प्रीवियस क्वेरी था उसके बारे में भी तुरंत उनको बता दूंगा, ये कैलकुलेशन मैंने पूरा कर लिया था जी। तो टीनू जी का जो सवाल है, टीनू जी का जो पोर्टफोलियो है 10,500 रुपए महीने का और 6 स्कीम में कर रहे हैं, इसमें स्कीम में स्कोप है इनके पोर्टफोलियो में कि इनसे कंसोलिडेट करें, काफी डुप्लीकेशन है। सो दो मिड कैप जो फंड इनके पास है उसमें से एक ही रखें, दोनों रखने की जरूरत नहीं है। सो डीएससी मिड कैप को रिटेन करें और एक्सिस मिड कैप का जो अमाउंट है वो डीएससी में ही ऐड कर दें, तो टोटल इनका 2,500 रुपए महीने का डीएससी मिड कैप में होगा। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड इनके पास है और एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड है, सो मैं सजेस्ट करूंगा कि उनमें से एक ही रखें, क्योंकि एचडीएफसी मल्टी कैप और रिटायरमेंट सेविंग्स फंड के जो एलोकेशन लगभग सिमिलर है, हर एक लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में उनका वैसे ही एलोकेशन किया गया है। सो एचडीएफसी मल्टी कैप को बंद करें और रिटायरमेंट सेविंग्स फंड को ऑफकोर्स कंटिन्यू करें। जो एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में 500 रुपया महीने का कर रहे हैं ये एक्सेस ब्लू चिप में बढ़ा दें और उसमें 2,500 कर दें, तो इनका फाइनल पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा वो मैं आपको तुरंत बता दूं। एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में 5,000 जाएगा, डीएससी मिड कैप में 2,500, एक्सेस ब्लू चिप में 2,500 और एक्सेस स्मॉल कैप में 500 रुपए। तो ये इनका जो एलोकेशन है वैसे का वैसा रहेगा और अगर आप देखें तो हमने उनकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही रिटेन किया ताकि इन्हें ज्यादा बदलाव ना करना पड़े। अब वेरी क्विकली प्रदीप जी का जो कैलकुलेशन मैंने किया था वो बता दूं, ये 9,000 रुपए प्योर इक्विटी फंड में कर रहे हैं, 8 लाख इनका एग्जिस्टिंग फंड है, ये 20 साल बाद करीबन 50 लाख चाहते हैं। सो गुड न्यूज ये है कि अगर मैं 12% से सिर्फ इक्विटी पोर्टफोलियो को कैलकुलेट करता हूँ तो करीबन 1.75 करोड़ तक चला जाता है। सो इनका जो टारगेट है वो कंफर्टेबली कंप्लीट हो जाएगा, जो 50 लाख का इनका टारगेट है। सो एक क्विक कैलकुलेशन मैं चाह रहा था कि मैं उसे करेक्ट कर लूँ जो मैं पहले आपसे बताया था मेरा। बिल्कुल, और प्रदीप जी अब ये जो सलाह है YouTube पर देख पाएंगे। लेकिन चलिए और भी दर्शकों के सवाल शो में शामिल करने हैं, लेकिन उससे पहले निवेश का गुरु मंत्र एक बार जान लेते हैं। आदित्य बताएं। मैम जैसे कि म्यूचुअल फंड्स डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, आज एक और नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ, इसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, इनविट कहते हैं इनको। ये पैसों को पूल करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। इनकी खासियत ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से एन्युइटी इनकम क्रिएट होती है और ये बहुत ही हाई डिविडेंड यील्ड देते हैं, 5-7%, 8% डिविडेंड यील्ड मिलता है इनमें। तो वो इन्वेस्टर जो कि डिविडेंड यील्ड के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलर इनकम क्रिएट करना चाहते हैं तो क्वार्टरली इनकम इससे मिलती है। बस थोड़ा सा रिस्क ये रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अगर कभी भी कोई भी स्लोडाउन हुआ तो इन फंड्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर अगर आप डिविडेंड पोर्टफोलियो की तरफ देख रहे हैं तो प्लीज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी मैंने पिछली बार बताया था और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इन दोनों को इंक्लूड करेंगे पोर्टफोलियो में तो अच्छा रहेगा। हर्ष आपका गुरु मंत्र। वेल कविता, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इक्विटी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते, इनफैक्ट जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वो परसेंटेज कम है अगर हम टोटल इन्वेस्टिंग पॉपुलेशन का लेते हैं तो। मेरी सलाह यही है कि आप इक्विटी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करता कोई, क्योंकि वो बोलते हैं या तो मुझे समझ में नहीं आता, इक्विटी के बारे में नॉलेज नहीं है या बहुत वोलेटाइल एसेट है। सो वेदर आपको अच्छा लगे ना लगे, इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न देने की कम से कम गुंजाइश रखता है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं भी समझ में आता है तो पहले कोशिश करिए थोड़ा बहुत समझने की, इस ऐसे प्रोग्राम्स जो आप कर रहे हैं इसके थ्रू इन्हें थोड़ी नॉलेज तो मिलने लग जाएगी। आपको इक्विटी में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, आप अपने पैसे एक फंड मैनेजर को दे सकते हैं जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं।
तो आप SIP के जरिए करिए, वोलेटिलिटी का रिस्क जो है वो कवर हो जाता है काफी हद तक। आपको खुद को नॉलेज नहीं है तो आप किसी नॉलेजेबल पर्सन जो फंड मैनेजर है उनको आप पैसा दे देते हैं। तो इस आपको कोई भी एप्रिहेंशन अगर है तो उसका सोल्यूशन है। तो इक्विटी आपके पोर्टफोलियो का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको शुरू करना है, छोटी रकम से शुरू करें। आप कोई भी उम्र के हो, आपको इक्विटी में एक्सपोजर थोड़ा बहुत 5% हो या 50% या 100% हो, आपको लेना होगा। सो अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी को डेफिनेटली ऐड करें, छोटी अमाउंट से शुरू करें, लेकिन शुरू करके अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें। SIP के जरिए करें और फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज लें तो आपके जो आपको जो लगता है कि मुझे नहीं आता वो किसी और के थ्रू आप फुलफिल कर सकते हैं। चलिए, समय लगभग खत्म हो गया है और आखिरी सवाल उमेश कुकाने साहब का मैं लूंगी, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, आपका सवाल हमारे पास है और तमाम डिटेल्स हमारे एक्सपर्ट के पास भी हैं, तो सीधा आपके लिए जो सलाह है उसी का रुख करते हैं। बताएं आदित्य। मैम सबसे पहले तो रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट क्यों करना है इन्वेस्टर को, ये इन्वेस्टर को सोचना चाहिए। सिर्फ एक्सपेंस रेशियो को सेव करना जरूरी बात नहीं है। अगर आप रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आना चाहिए कि म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कैसे करना है और कौन से म्यूचुअल फंड को आपके रिस्क प्रोफाइल के तहत अपने पोर्टफोलियो में डालना है। तो सबसे पहले इन्वेस्टर को ये एनालाइज करना चाहिए कि वो उन्हें आता है या नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स कंपनी के पास कोई भी एक ऐसा टूल नहीं है जिससे आप रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो सकते हैं। अगर आपको रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट होना है, सबसे पहले आपको अपने रेगुलर प्लान को रिडीम करना होगा। और आप जब आप रिडीम करेंगे तो हो सकता है आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भी भरना पड़े, क्योंकि आपके आपको एप्रिसिएशन अगर मिला है तो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। दूसरी बात, फिर आपका जो रिडेम्पशन आपके बैंक अकाउंट में आएगा, फिर उससे आपको वो डायरेक्ट प्लान किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम का खरीदना होगा। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्सेस का ध्यान रखिए। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि आप क्या आप में क्षमता है कि आप डायरेक्ट प्लान को चूज कर सकते हैं। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो ही आप डायरेक्ट प्लान में चाहिए। फायदा ये होगा कि अगर डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2% ऑफ द AUM रहता है तो रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 2% रहता है तो डायरेक्ट प्लान का जो है वो 1% रहता है। पर अगर आप गलत प्लान को चूज करेंगे तो ये जो सेविंग है वो उससे ज्यादा आपको मार्केट में लॉस होगा। तो इसीलिए सोच समझ के इस प्लान रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में चाहिए। और राइट, चलिए उमेश जी, आपको ये सलाह दी जा रही है आदित्य की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। और इसी के साथ वक्त भी खत्म हो गया है आदित्य आपका, हर्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें, लेकिन जाते जाते देखिए एक नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़े जा रही हूँ। ये वो व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। अपने सवाल आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।